तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन चैतन्य कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। जी माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वालों महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवा, नाम के बल पर पाप करना। आठवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। दसवा, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 अपराध के प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो प्रवेश करते हैं आज की भगवद गीता के सत्र में। कल हमने जो है अभी तक हमने सतोगुणी और रजोगुणी के बारे में चर्चा कर ली है, तो आज हम तमोगुण के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा के बाद समय जो मिलेगा उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि हम कैसे किसी के अंदर ये गुणों को देख सकते हैं। हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना, प्रैक्टिकल जीवन में इन गुणों को कैसे हम देखें, अनुभव करें, कौन किससे ग्रस्त है कैसे पता पड़ेगा, और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि सुबह सुबह सतोगुणी का मोड रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता है तो सतोगुण आदमी का कम होता जाता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण होता है। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम 14.8 नंबर श्लोक में, साथ में दोहराएंगे। तमस्त्व अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां तत्निबध्नाति भारत
अज्ञान च महावृद्धि, अज्ञान वृद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम मोहनम प्रमादालस्य निद्राभिः प्रमादालस्य तन्निबध्नाति भारत निद्राभिः। तदा। हरे कृष्णा। तो सॉरी, अनुवाद। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, तुम यह जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद हैं, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। ठीक है, तो श्लोक को एक बार देखते हैं। तमह तु अज्ञान जम वृद्धि। तमह मतलब तमोगुण, तू तू क्यों बोला जा रहा है? तू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पिछले श्लोकों में रजोगुण और सतोगुण के बारे में चर्चा की थी। अब इस बार तमोगुण, तमोगुण ये तू, मतलब ये एकदम जो जो क्या बोलते हैं, हीन भावना से देखा जाता है ना उसको, बोला अरे तू भी है क्या? अच्छा ठीक है, चल ठीक है। तो वैसा बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। तमह तू मतलब ये तो और सबसे खराब चीज है। तमह तू एकदम बेकार है। अज्ञान जम वृद्धि मतलब ये क्या करता है? अज्ञान की वृद्धि कराता है ना? अज्ञान की वृद्धि होती है इससे, और जो है ना इसको समझो, है ना। और आगे कहते हैं मोहनम सर्वदेही नाम। ये क्या करता है? सबको मोह में पागल कर देता है, सारे जीवों को। जीवों मतलब इन द सेंस मनुष्यों की बात चल रही है, क्योंकि बाकियों में तो इतनी अकल नहीं होती, बेचारे की चेतना लो रहती है। तो मोह में फंसा देता है सभी जीवों को, अपनापन मतलब मेरा जो भी मोह है। और कहते हैं प्रमाद आलस्य निद्रा भी। तो तीन टाइप के इसके रिजल्ट निकलते हैं। प्रमाद, प्रमाद मीन्स पागलपन। आलस्य, बहुत लेजीनेस आ जाएगा, काम नहीं करेगा, सोएगा, ध्यान नहीं देगा। और निद्रा भी, ज्यादा सोएगा वो, कंपैरेटिवली बाकियों से ज्यादा सोएगा। तत निबधान निबधन निबधनाति भारत, मतलब वो इन बंधनों से बांधता है ना हे अर्जुन। तो अब हम जो है ना तमोगुण में प्रवेश कर रहे हैं। प्रमाद का क्या मतलब है? क्या कोई जानता है? कोई बताना चाहेगा प्रमाद का मतलब क्या होता प्रभु जी यहाँ पे तो प्रमाद मतलब पागलपन, मतलब जैसे कि मैंने किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, मतलब वो ही सही है, मतलब अपने ही बात में अड़े रहना। है? अपनी बात पे अड़े रहना, जो मैं मानता हूं वही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा प्रमाद मतलब क्या है? प्रमाद प्रभु जी मतलब एक प्रकार से खैर पागलपन है, लेकिन जो इंसान मतलब जो कुछ भी करते रहता है, कुछ भी एक्टिविटी ना, तो उसको सही और गलत का वो फर्क महसूस नहीं कर पाता, मतलब अपने में खोया रहता है, चाहे सही हो गलत हो, करना है मतलब करना है, सही और अनभिज्ञ गलत कहना का चाहिए। फर्क नहीं महसूस करता है और करता रहता है वो, ये जी बगैर जाने कि सही है कि गलत है, वो करता रहता है। ठीक है, और किसी का कोई अपना विचार प्रकट करने की कोशिश करें? सब भागवत ज्ञानी हैं यहाँ पे, आप लोगों को अपना मत रखना चाहिए। इतना पढ़ते हैं, डेली आते हैं, कुछ तो बताना चाहिए कि क्या होता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर चीज को नॉलेज हमको लेना है, समझना है, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है कि पढ़ लिए, आप लिखा है बाजू में पागलपन है, और क्या मीनिंग हो सकता है इसका? प्रभु जी संघर्ष हो सकता है क्या, जैसे मतलब संघर्ष, हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए हम बहुत सारी चीजें काम करते हैं,
कि मेरा घर हो, मेरा गाड़ी हो, तो उसमें लगे रहते हैं हर चीज में। मतलब जो सिद्धांत हमने बना लिया उसी का संघर्ष करना, वो सही है हाँ कि गलत है ये नहीं मालूम। ठीक है, बस दो ही लोग बोले जा रहे हैं और कोई नहीं बोल रहे, क्या बात है? बाकियों को कोई प्रॉब्लम है क्या? घर वालों ने मना किया क्या नहीं बोलना है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना नहीं है, तात्पर्य अपनी मर्जी से बताना। ठीक है, प्रमाद इन द सेंस, ये पागलपन जो है ना, इसका अर्थ ये है कि जो नहीं करना चाहिए उसको करते रहना और जो करना चाहिए उसको नहीं करना, है ना? मतलब ये मालूम है जो सही, क्योंकि बिकॉज क्या है, ये अज्ञान है ना, तमोगुण में अज्ञान होता है, इसलिए वो ये जान ही नहीं पाता कि सही और गलत क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिगरेट पीना, सबको मालूम है सिगरेट से क्या होता है, तंबाकू से क्या होता है, कितना हार्मफुल होता है, कितना गंदा होता है शरीर के लिए, लेकिन तो भी जो सिगरेट पीते क्या वो जानते, क्या उसको छोड़ सकते हैं? उसको मालूम भी है ना सिगरेट पीना हानिकारक है, अगर किसी को मालूम भी है तो भी नहीं छोड़ेगा, क्या करूं अब मेरे को, तो मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता। अरे देखो मालूम है यार कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भी वही करता है, पीता है। प्रमाद मतलब पागलपन। मतलब हम कई बार ऐसे देखते हैं, कई लोग क्रोधवश मोहवश ऐसे कार्य करते हैं जो कभी अनुचित कार्य होते हैं, नहीं करना चाहिए तो भी करते हो। तो ऐसी चीजें करना जो उचित नहीं है फिर भी करना, और गलत है फिर भी करना, मालूम है कि अच्छा नहीं है फिर भी करना, ये प्रमाद का लक्षण है। और ऐसी चीज नहीं करना जो मालूम है नहीं करना चाहिए फिर भी उसको करना, मतलब जो चीज अच्छी नहीं है उसको करना और जो अच्छी है उसको नहीं करना, दोनों में फिर भेद समझ में आ रहा है ना? एक चीज वो ऐसी चीज करता है जो नहीं करनी चाहिए और ऐसी चीज नहीं करता जो करनी चाहिए। तो ये होता है पागलपन, ये सरासर लक्षण है पागलपन का, कि लिखा है डब्बे में सिगरेट में ऐसे गंदे, इतने गंदे गंदे फोटो छपे रहते हैं, बाप रे हम तो देख नहीं सकते, लोग उसको जो है ना पीते हैं, देख के भी इग्नोर करना है ना, मालूम है गंदा है फिर भी, गंदा है पर धंधा है, क्या करो करते रहते हैं। मैं मतलब चलो खैर अपन आगे चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है? तो प्रमाद मतलब ये होता है आलस, तो आपको मालूम है वो आज का काम कल पे टालेगा, कल का काम परसों पे टालेगा, आज करे सो कल, कल कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, है ना? ये उनका सिद्धांत बनता है। अड़बड़ क्या है? अरे प्रभु जी आराम से करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, क्या करना है हमको? कहीं जा रहे हैं क्या आप? कहीं जा रहे हो क्या? समय की वैल्यू नहीं है उनके पास, वो ऐसा सोचते हैं कि सब धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, तो आलस रहती है उनको, काम नहीं करने के बहाने ढूंढते, 10 बहाने ढूंढेंगे, आप एक पूछोगे ना, अरे प्रभु जी थोड़ा सा पैर में चोट लगी, अरे प्रभु जी गया तो था, काम हुआ नहीं, कल करेंगे परसों करेंगे, ठीक है ना? कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं आलस, है ना? और नींद, बेसिकली ये ज्यादा सोते हैं, नॉर्मल आदमियों से ज्यादा सोते हैं, 10-12 घंटे जो है इनकी निद्रासन का समय होता है, और बाकी भी समय जो है ना, कई कई लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी भी जगह, थोड़ा थोड़ा भी समय मिलता है ना प्रभु जी सो जाते हैं यार, 1 घंटा समय है ना सो जाते हैं। तो लोग, कई लोग बैठे बैठे भी सो जाते हैं, कई लोग जो है ना खड़े खड़े भी सो जाते हैं, तो मेरे को तो कभी बैठे बैठे नींद आती नहीं है, पता नहीं, लेकिन लोग सोते हैं, बहुत सोते हैं। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं तमोगुणी व्यक्तियों के लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तात्पर्य, तात्पर्य वह शील प्रभुपात, शील प्रभुपात की जय। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है, तू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान भी तू कह के इस तमोगुण को बुला रहे हैं और इसको हीन भावना से उसका मतलब, जो तू कहने का अर्थ ये है कि ये सबसे बेकार है, सबसे घटिया है, इसको तो देखना भी नहीं चाहिए, मतलब जो है ना वैसा कह रहा है तू, उल्लेखनीय। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है, सबसे निकृष्ट गुण है, यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। तो
सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण के क्या लक्षण हैं? सुख और ज्ञान। और इसके क्या लक्षण हैं? पागलपन, आलस और नींद। तो सर्वथा विपरीत है, उसमें ज्ञान होता है और इसमें पूर्णतः से अज्ञान होता है। प्रमाद मतलब अज्ञान की वजह से, अज्ञान की वजह से मतलब वो पूर्ण रूप से अपने आप को अंधेरे में डाल देता है, पूरे जीवन को बगैर धर्म के, बगैर शास्त्रों के, बगैर शौच के मतलब स्वच्छता के ऐसे ही जीता है। वो नहाता नहीं, 6-6 दिन नहीं नहाएगा, 4-4 दिन नहीं नहाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह की जगह शाम को नहाएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सब बोले एक ही है प्रभु जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या करना है। तो ये जनरली ना हम देखते हैं फॉरेन में ज्यादा होता है। लोग आजकल के इंडियंस ज्यादा फॉरेन में दौड़ रहे हैं कि हम अमेरिका चले जाए, हम लंदन चले जाए, पेरिस चले जाए। पेरिस में क्या होता है, वहां इतनी ठंड रहती कि लोग 4-4 दिन नहाते नहीं है, और 4-4 दिन नहाते नहीं है तो उसके कारण उसको ढकने के लिए उन्होंने बढ़िया बढ़िया परफ्यूम बनाए हुए हैं कि परफ्यूम लगाएंगे तो हमारा जो है ना बदबू नहीं आएगा शरीर से, और नहीं नहाए ये कैसे पता पड़ेगा किसी को। तो वहाँ आविष्कार इसलिए हुआ परफ्यूम का, पेरिस की परफ्यूम बहुत फेमस है क्योंकि नहाते ही नहीं है। और यहाँ के लोग, अरे पेरिस की परफ्यूम है प्रभु जी, इतनी महंगी परफ्यूम है पेरिस की। अरे उनका पर्पज ही अलग है यार, वो तो अपना बदबू छुपाने के लिए नहाते नहीं है 4 दिन, तो क्या करेंगे वो। तो हम भी फिर वही सब देखा देखी पीछे जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि हमारा सबसे सबसे ऊपर है हमारा जो है ना सनातन धर्म, उसके जैसा कोई धर्म नहीं है। और उसमें जो बताया गया है अगर उसको फॉलो करेंगे तो हम सबसे ऊपर रहेंगे। अपने आप को कभी भी नीचे नहीं समझना चाहिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो बहुत नीचे हैं। कई लोग तो हमारे जो है ना आचार्य लोग वेस्टर्न कंट्रीज को जो है ना नीचे के लोगों का वर्णन कहते हैं, है ना, जो नीचे के लोग है ना, बिल स्वर्ग जिसको बोलते हैं, जो है ना पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं, क्या बोलते हैं, तल वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सारे ना इनको एक तरह से बिल स्वर्ग कहा गया है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि यहाँ पे ना है भोग अच्छा है, ऐसा नहीं है कि भोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं है, लोग पागल हैं, और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज होती है ना वैसे ही हैं, धर्म का ज्ञान नहीं है, सिर्फ भोग में लगे हुए हैं, किसी को माँ बाप की वैल्यू नहीं है, कोई गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, सत्य के प्रति निष्ठा नहीं है, सब खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से। तो ऐसे लोग हैं वहां पे, ठीक है। तो हम ये जो है तमोगुणी व्यक्ति वो आलस और नींद में भरा पड़ा रहता है। आगे पढ़ते हैं, ये सतोगुण के सदा सदा सर्वथा विपरीत है, क्योंकि इसमें अज्ञान है और सतोगुण में ज्ञान है, दोनों एकदम अपोजिट है। वो ज्ञान प्रदान करने वाला है, ये अज्ञान प्रदान करने वाला है ना। आगे कहते हैं, जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। तो इसमें बेसिकली क्या नहीं समझ पाता है, तमोगुण अज्ञान क्या दे देता है कि ये नहीं समझ पाता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना। ये ज्ञान उसके अंदर ढक जाता है, उसको पता ही नहीं, वो बोलेगा बस एक ही जीवन है प्रभु जी, ये यही है और कुछ नहीं है। और दूसरा ज्ञान क्या है, नॉनवेज खाएगा, नॉनवेज खाएगा, दारू पिएगा, गुटखा खाएगा, ये सारी चीजें जो है ना वो अज्ञान है उसके अंदर। ये वास्तविक चीजों को समझ ही नहीं पाता कि सही दृष्टि में क्या है, कौन सी चीज को मतलब क्या है। सोचो किसी नींव जीव, किसी बिल्डिंग की अगर नींव ही मजबूत नहीं हो, नींव ही हिली होगी तो वो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। क्यों रोहित प्रभु, कभी नहीं खड़ी होगी। सबसे पहले तो उसका नींव मजबूत होना चाहिए। तो आधार अगर मजबूत नहीं होगा तो वो मन जो उसके ऊपर टिका है वो सब गिर जाएगा, कभी नहीं रहेगा, हवा आएगी और गिर जाएगा। वैसे ही जिस भी आदमी के अंदर जो उसका आधार है ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं रहेगा उसके जीवन में तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अज्ञान के लिए कैसे काम करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा वो। तो जिसको अज्ञान है वास्तविक चीजों को देख नहीं सकता, मतलब जो जैसा देखना चाहिए उनको वैसा देखना नहीं, आत्मा को शरीर को, आत्मा मतलब अपने पूरे जीवन को शरीर में, शरीर के संबंधियों को अपना मानना, सुख और दुख में बहुत ज्यादा विचलित हो जाना, सुख के लिए ही सिर्फ काम करना और अपने शरीर को आराम देना और अपने
इंद्रिय तुष्टि के लिए कुछ भी कर देना, गलत काम भी कर लेना, मार देना किसी को, पीट देना, नॉनवेज खा लेना, ये सारी चीजें जो है तमोगुण के लक्षण हैं। वो समझ नहीं पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वस्तु यथा आत्मज्ञानम वरकम विषयर ज्ञा यज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ सकता। बहुत मुश्किल है ना, ऐसे लोगों को आप कोशिश भी करोगे कि तू समझ बेटा ये गलत है ये गलत है, वो समझेंगे नहीं। उल्टा हम देखते हैं मारपीट पे आ जाते कई लोग, ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर करोगे ना, माँ बाप समझाते हैं ये बेटा गलत है, दारू छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, और उसी को मारेंगे। हमने कितने पेपर में आता है कि एक आदमी ने अपनी माँ को मार दिया क्योंकि उसको पैसे नहीं दे रही थी दारू पीने के। कितने सारे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं। इवन एक मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में पहले पढ़ते थे सीए में, सीए और मैं और वो साथ में पढ़ते थे। वो तो क्लियर नहीं कर पाया, उसने छोड़ दिया और अलग हो गया, वो अपने जीवन में चला गया, अभी राजस्थान में है वो। और अभी उस दिन कुछ दिन पहले ही उसकी ना माता से मेरी बात हुई, मेरा बहुत अच्छा संबंध था उनके घर, आना जाना था। उनकी मम्मी बहुत रो रही, बोले बेटा मेरे को बहुत प्यार करती वो, मेरे को बोलती बेटा इसको समझा। अभी 3 महीने बोले मैंने इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है ना जो शराब छुड़ाने वाली जगह होती है जो, वहां भर्ती कराई थी बेटा, बोले पैसे सब खत्म हो गए, ले दे के इसका मैंने 3 महीने का वहां का खर्च उठाया कि शराब छोड़ दे छोड़ दे, और 3 महीने रह के आया, वहां शराब कुछ भी नहीं पिया है, आया है और फिर यहाँ पे अब शराब पी रहा है। इसको समझा बेटा, मेरे को रो रो के बोल रही थी, मेरे को इतना अफसोस आ रहा था कि मैं कैसे उसको समझाऊं कि ये कितनी खतरनाक चीज है, समझते ही नहीं है वो। आप उनके सामने सर रगड़ लोगे ना, मत्था पीट लोगे कि मत पी खराब है, वो नहीं समझेंगे। उनका ज्ञान इतना ज्यादा ढका हुआ है, इतना ज्यादा ढका हुआ है, वो अपना रोएगा, अरे मेरा जीवन बहुत खराब है, मैं दारू के बिना नहीं रहूंगा, मेरे को कुछ नहीं मिला जीवन में। अब वो अपने आप को ऐसा सोच के वो दारू पी के पता नहीं अब क्या हालत होगी, मेरे को तो नहीं लगता ज्यादा बचेगा। ऐसे लोग हैं जो समझ ही नहीं पाते, यथारूप में चीजों को देख ही नहीं पाते। एक लड़की ने, उसकी एक्चुअल में शादी हुई थी, और उसकी शादी से जो है ना लड़की चली गई तुरंत, 2-4 महीने में ही चली गई। हो सकता है उस लड़की का शायद कहीं और किसी के साथ रहा हो, इसको छोड़ दिया और इसी और उसका इतना अफसोस हो गया इसको कि वो अपना जीवन तबाह करने पे आ गया। तो स्त्री पुरुष का जो है ना, हमने कल रजोगुण के पढ़े थे क्या क्या लक्षण है, बताइए कौन बताएगा। रजोगुण भी प्रभु जी, जो मनुष्य होता है ना वो बहुत कर्मशील होता है, महत्वाकांक्षी होता है। लक्षण लक्षण 3 लक्षण हमने बताए थे, राग संग और तृष्णा प्रभु, राग क्या बता रहे हैं? राग तृष्णा और राग, संग, राग संग राग तृष्णा, हाँ तृष्णा। राग तृष्णा और संग। तो राग जो होता है ना वो होता है कि स्त्री पुरुष का जो है ना, हमने कल पढ़ा था स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ अटैचमेंट को राग कहा जाता है। संग अपने परिवार परिजन पुत्र पत्नी, इनको संग कहा जाता है। और तृष्णा मतलब इंद्रिय भोगों के प्रति लालसा प्यास जो होती है उसको तृष्णा कहा जाता है। तो राग इतना बढ़ जाता है स्त्री पुरुष का कि इंसान के अंदर अज्ञान आ जाता है, वो तमोगुण में प्रवेश करता है और उसके कारण उसकी अज्ञान आ जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अपना जीवन नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे कर आगे कर उदाहरणार्थ प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वह भी मरेगा। मनुष्य मर्त है, उसकी संतानें संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा का चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं, यह पागलपन ही तो है। तो यहाँ उदाहरण प्रभुपाद ने यह दिया है कि जो व्यक्ति है, हर आदमी देखता है कि मेरा पिता मर रहा है, मेरा उनका दादा मर चुका है, उसके भी पिताजी मर चुके हैं,
और ये देखते हुए वो एनालाइज करके समझता है कि एक दिन मैं भी मरूंगा, एक दिन मेरे बच्चे भी मरेंगे, सब मरेंगे, ये उनको सबको मालूम है। मृत्यु जो है ना वो ध्रुव है ना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे ना त्वम शोचि तुम अर्हसि। इसको देखने से ये देखो और समझो और इस पे जो है ना जो है मोहित मत हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ये मृत्यु तो सबकी होनी है, इसको सहल मतलब स्वीकार करो, लेकिन लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मेरा तो जो है ना लंबे लंबे प्लानिंग करता है अपने जीवन में, मैं ये कर लूंगा, पर प्रभु जी मेरा टारगेट है, मैं ये बंगला गाड़ी घोड़ा, उसी की प्लानिंग में श्रम में लगा हुआ मेहनत करे जा रहे, और वो ये सोच भी नहीं पा रहा है कि आने वाले 50-100 सालों बाद मेरा नाम तक नहीं रहेगा जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो सब कमा के यहाँ रखूंगा वो शायद एक दिन नष्ट हो जाएगी, पता नहीं कोई छीन के चला जाएगा या मेरे बच्चे गवा देंगे, और इसको नाम तक नहीं मिलेगा, इसको पूछेंगे तक नहीं कौन किसने किसकी चीज थी ये तक नहीं मालूम होगा किसी को, और उसी के लिए श्रम करे जा रहे है ना। अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम् शेषस्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्यत मतः परम, है ना। युधिष्ठिर को यक्ष जी कहते हैं कि स्लोली स्लोली रोज हर दिन हर क्षण एक एक कदम मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है इंसान का, वो देखता है दूसरों को मरते हुए लेकिन अपने बारे में सोचता है कि मैं तो शाश्वत रहने वाला हूँ, और अपनी बस प्लानिंग में करता है। शेष स्थावर इच्छन्ति, स्थावर मतलब परमानेंट इच्छा बनाता है अपनी, है ना। इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा हे यक्ष जी, युधिष्ठिर लाल जी, युधिष्ठिर कहते हैं। तो बहुत बड़ा ये सत्य है, मृत्यु अटल है, मृत्यु के पहले हमको सारे वो काम कर लेने चाहिए जो बहुत जरूरी है ना। एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में 11.9.29 है ना, ये पढ़ता हूँ मैं, जरा समझिएगा एक एक शब्द को। लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते, लब्धवा मींस हमको ऐसी चीज कुछ प्राप्त हुई है, लब्धवा लाभ होता है ना, प्रॉफिट होता है, सुदुर्लभ बहुत मुश्किल से दुर्लभ होती है, दुर्लभ मुश्किल और सुदुर्लभ मतलब भयंकर मुश्किल से मिला है। इदम ये बहु संभवन्ते मतलब बहुत समय के बाद, आफ्टर मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के बाद फाइनली हमको क्या प्राप्त हुआ है, मनुष्यम मानुष्यम मतलब मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुषम, है ना। अभी तक इतना हमने समझा, मनुष्य का जो शरीर है ये हमको प्राप्त हुआ है बहु संभवन्ते बहुत बहुत जन्मों मृत्यु जन्म मृत्यु के बाद। अर्थदम ये जो है ना मनुष्य शरीर ही एक है जिसका अर्थ है, बाकी व्यर्थ है। अर्थ और व्यर्थ तो समझते हैं, व्यर्थ का मतलब है कोई काम का नहीं है, यूजलेस है, और ये अर्थदम इसी में अर्थ निकल सकता है। और अनित्यम ये लेकिन अनित्य है, कभी भी छूट जाएगा, एट एनी टाइम कभी भी। और अपी धीर मतलब जो धीरवान व्यक्ति है वो ये समझेगा चीजों को, क्या करेगा आगे चल के, तूर्णम तूर्णम मंस इमीडिएटली, तो इमीडिएटली काम पे लगेगा वो। यतेत न पतेत, कब तक लगेगा काम पे, जब तक पतन ना हो जाए, उसका शरीर छूट ना जाए, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक वो तूर्णेन न पतेत, तूर्णम यतेत न पतेत मतलब वो काम में लगेगा कब तक, जब तक उसका मर ना जाए। किस किस में लगेगा, क्यों लगेगा, अनुमृत्यु यावत मतलब दोबारा दोबारा उसकी मृत्यु ना हो, इसलिए ऐसे काम में लगेगा, तुरंत लगेगा ताकि दोबारा मृत्यु में चक्र में ना फंसना पड़े। कौन सा कार्य में, निश्रेय सात मतलब ऐसा जो सबसे श्रेष्ठ कार्य है, निश्रेय सात मतलब सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य में लगेगा। विषय खलु सर्वता स्यात् मतलब विषय तो हर हर योनि में मिलेगा, विषय इंद्रिय तृप्ति हर योनि में मिलेगी, इसलिए उनको छोड़ के जो निश्चय सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है उसमें लगेगा। तो मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, इजी, बहुत अच्छा श्लोक है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक को हमेशा कोट करते थे, और जब जब कोट करते थे वो रोते थे, उनकी आंखों से आंसू निकलता था कि
कि समझो मनुष्यों क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में। मैं पढ़ रहा हूं, अब समझ में आएगा इजी आपको। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् बहु संभवन्ते मानुषम अर्थदम अनित्यपि धीर तूणम यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावत् निश्चय सात विषय खलु सर्वतः स्यात्। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। मेरा भी फेवरेट श्लोक हो गया जब से मैं इसको पढ़ा हूं तो कहने का मतलब है कि मृत्यु सबकी होगी, हमारे को समझना चाहिए कि मृत्यु के पहले करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पागलपन ही तो है, अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। हमने पढ़ लिया अभी तो। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं, जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वो अधिक रुचि नहीं दिखाते। तो कितनी विडंबना है, नहीं कि कोई अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, उसके बाद भी लोग बोलते हैं प्रभु जी लेट हो रही है, जाना है। आप उसको उद्धार का ज्ञान बता रहे हो, जीवन मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता बता रहे हो, और वो क्या कहते हैं प्रभु जी काम है, मेरे को जाना है, मैं जाऊं क्या? हंसी आ जाती है मेरे को कि ये ज्ञान सिर्फ इस्कॉन में ही फ्री में मिल रहा है। ठीक है, बाकी भी दे रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, सब लोग फ्री में दे रहे होंगे जो भी आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन भौतिकवादी जो है ना इतने तमोगुणी में ग्रस्त हैं कि उनको ये ज्ञान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। वो लगे हुए हैं खाली अपने श्रम में, अपने परिवार के राग तृष्णा में, संग में, इसी में लगे हुए, उनको वो चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये सब क्या कहते हैं बेवकूफों का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये आप लोग करो, हम तो दारू पियेंगे, नॉनवेज खाएंगे। मैं इतना परसों नरसों एक शादी में गया था, इतनी खतरनाक पार्टी थी, हमारे को खतरनाक लग रही है लेकिन कुछ लोगों को वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। सोचो कितना विचारों का फर्क है। इतना नॉनवेज था, इतना नॉनवेज, बाप रे बाप, मैं देख के मेरी तो रू रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कितना मतलब जानवरों को मार दिया गया, कितनी खून की नदियां बही होंगी, इतना नॉनवेज और लोग खुशी से खा रहे बैठ के। इतना तमोगुण घुसा हुआ है लोगों के अंदर, इतना तमोगुणी है, मैं तो खाने से डर गया वहां पे। मैं क्या खाऊंगा, थोड़ा सा मीठा लिया दो तीन, बस मैंने कहा मैं और कुछ नहीं दे सकता यहाँ पे। ये स्थिति है लोगों की, इतना तमोगुण प्रवेश कर चुका है जीवन में, समझ ही नहीं पा रहे कि क्या उनके लिए श्रेयस्कर है क्या नहीं है। पता नहीं क्या होगा आगे चल के ऐसे लोगों। आगे कहते हैं, वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह ही भी सक्रिय नहीं रहते। तो रजोगुणी व्यक्ति के भी अपोजिट है ये, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति काम में निष्ठा में लगा रहता है, सुबह से प्रयास करता है वो, और वो कर्म में बंधा रहता है, उसको अपना मंजिल चाहिए, उसको अपना अर्थ चाहिए, उसको अपनी पैसे का पूरा रिटर्न चाहिए, मेहनत करेगा वो सुबह से शाम तक, रात तक काम करता रहेगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना, ये आलसी है, इसको काम करना भी नहीं पसंद है, सरासर अपोजिट है रजोगुण का भी, है ना। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वो आवश्यकता से अधिक सोता है ना, 10-12 घंटे सोता है। वह 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ऐसा व्यक्ति जो होता है ना निराश रहता है, जितना तमोगुण में रहेंगे उतना डिप्रेशन होगा, निराश रहेगा, और हर चीज में वो क्या सोचेंगे, मैं मेरे को भगवान ने ऐसे ही बनाया, मैं तो कोई काम का नहीं हूं, मेरे को भगवान ने कोई गुण नहीं दिया है, मैं क्या करूं, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं दारू पीऊंगा और मैं अपने आप को जो है ना खत्म कर दूंगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। उनको 10 बार समझाओ तो भी नहीं समझते वो। तो भौतिक द्रव्यों मतलब शराब और जो जो नशे वाली चीजें हैं उसके प्रति वो सब करता है और ज्यादा सोता है और व्यसनी बन जाता है। व्यसनी मतलब स्त्रियों के पीछे पागल, गलत काम करना, ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तो 3 लक्षण हैं तमोगुणी व्यक्ति के, प्रमाद और आलस और निद्रा, ये 3 चीजें हुए हैं जो उनको बांध देती हैं अपने इसमें तमोगुण में। ठीक है, तो एक दो श्लोक है इसके साथ साथ वाले, वो भी हम ले लेते हैं। एक है 11.25.0,
2 जिसमें हमने सबके लक्षण पढ़े थे, वो मैं इसमें अब तमोगुण के प्रमुख लक्षण पढ़ रहा हूं। इसमें कहते हैं तमोगुण के प्रमुख लक्षण, असहाय क्रोध, असहाय क्रोध मतलब इतना क्रोध करते कि उनको सहन मतलब फटाफट क्रोध ही क्रोध करते, सहन नहीं हो पाता उनसे, वो सहन नहीं कर पाते। आगे कहते हैं कंजूसी, क्षत्रिय आधार के बिना बोलना, मतलब उनको आधार नहीं है फिर भी वो बातें ऐसी करेंगे कि अरे बॉर्डर में मारना चाहिए, ये लोग को अक्ल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कुछ भी कुछ बोलेगा, जबकि उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है फिर भी वो बात करता है। उग्र घृणा, घृणा करेगा वो। परोपजीवन, परोपजीवन मतलब कोई किसी के लिए कोई परोपकारी वाला काम नहीं करेगा, सिर्फ अपने लिए जीवन जिएगा। दिखावा, खाली प्रेजेंट करेगा। पुरानी, पुरानी थकान, ये क्या हो, इसका क्या मतलब होता है पुरानी थकान? थकान होगा, कुछ ज्यादा ही थकान समझता होगा। कलह, कलह तो जानते हैं सब, शोक में रहता है हमेशा, ये भी ठीक है। मोह में रहता है, ये भी ठीक है। दुख में रहता है, ये भी ठीक है। उदासी, उदासी उदास रहता है हमेशा, ये भी ठीक है। अत्यधिक निद्रा भी ठीक है। झूठी आशा, उसके अंदर झूठी आशा रहती है कि बस अब तो मेरा यही है, मेरा साथ है, मेरे दोस्त, हम बैठते हैं डेली पीने और वाह, इसी इससे बड़ा मेरे पास कोई और है नहीं, इससे बड़ा मेरे पास धन नहीं है, बोलते हैं आजकल के लोगों के लिए ये हो गया है। किसका जीवन, जीवन में तुमने कमाया क्या है? चार अच्छे दोस्त नहीं कमाए तो जीवन में कमाया क्या, ऐसे बोलते लोग बताओ बोला सब एकदम फंडामेंटल हिले हुए हैं, जिसके जीवन के आधार ही नहीं है वो क्या क्या जीवन जिए। एक मेरा दोस्त है, बोलता है अगर तूने एक ऐसा दोस्त नहीं कमाया जिसके साथ तू अपनी सब दिल की बात शेयर कर सकता है, सच्चा दोस्त तूने नहीं कमाया तो तेरा जीवन व्यर्थ है, बोलता है। अरे मैं हिल गया, ऐसा भी होता है क्या हमारे जीवन में तो ऐसा कोई नहीं है क्या बोलते लोग, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, एकदम पागल ही है कोई आधार ही नहीं है उसकी बात करने का, कोई आधार नहीं, अपने अपने मन से, अपने फंडामेंटल से, अपना ही डिजाइन किया हुआ एक पंच लाइन बोल देंगे बस, अब यही है पंच लाइन हो गया, पता नहीं क्या है अच्छा इनको ना आप काट भी नहीं सकते, उनकी बातों को आप जितना भी तर्क दोगे ना वो आपको गलत ही साबित कर देंगे। अरे नहीं तेरे को नहीं मालूम, तू नहीं समझता, अरे ऐसा है मैं बता रहा हूं, मैंने फील किया, मेरे पास है सच्चा दोस्त, मेरे पास ये है, वो जब फोन करता हूँ मेरे साथ बैठता है, चलता है, खाता है, पीता है, जो बोलता है वो करता है। हाँ मैं ठीक है भाई, तुम लोग को मुबारक हो, ऐसे व्यक्ति ऐसे दोस्त तुम्हारे को जो गलत में ये ना बोल सके कि तुम गलत हो, तो ऐसा कोई दोस्त नहीं, दोस्त वो है जो आपको धर्म का आचरण करना सिखाए, दोस्त वो है जो आपको गलत में बताए कि तुम गलत हो, ना कि गलत में भी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, हाँ गलत है मारेंगे तो चलो मारेंगे, बगैर पूछे मारेंगे, जो भी है उसको मारो, मेरे दोस्त के साथ इसने बात कर दी, दोस्त का दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन, पूछेंगे भी नहीं क्या कारण है, क्या स्थिति है, परिस्थिति है, नहीं ठीक है। आगे कहते हैं झूठी आशा, भय तथा आलस, भय में रहता है वो हमेशा, आलस में रहता है, ये सारा जो है ना तमोगुण का जो है लक्षण है, ठीक है। और एक श्लोक हम और लेते हैं, 18.28, पेज नंबर 585, इसमें कहते हैं जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है ना, जो भौतिकवादी झूठी नहीं हटी सॉरी जो भौतिकवादी हटी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री, वह तमोगुणी कहलाता है। ऐसा आदमी तमोगुणी कहलाएगा जो जिसके अंदर ये विशेष प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ना तमोगुणी हम देखते हैं सबके जीवन में, जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह का समय जो होता है ना वो सतोगुणी समय होता है, उसमें माला वाला हमारी सब बड़ी अच्छे से हो जाती है, हृदय साफ रहता है, शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है ना तो जो समय आता है ना, फिर रजोगुणी का समय आना चाहिए, समय रजोगुणी का आ जाता है,
फिर दिन भर रजोगुणी में आदमी थोड़ा सा काम में भी सोचता है, ठीक है अब भक्ति तो हो गई, अब मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ थोड़ा अपने जीवन निर्वाह के लिए, शरीर के लिए, है ना। नियतम कुरु कर्म त्वम, नियतम कुरु कर्म त्वम, कर्म जाया ही अकर्मणा, मतलब श्रेष्ठ है कर्म करना, अकर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध ये अकर्मणा, शरीर के जो है व्यापन के लिए आपको कर्म करना चाहिए। तो कर्म करता है फिर दिन भर, फिर शाम को अब थक गया है, अब आलस हो गई है, अब थोड़ा आराम करना है, और जो है गलत काम में लगता है, खाता पीता है और सोता है। तो ये जो है ना बेसिकली सबके जीवन में इफेक्ट आता है, समय का इफेक्ट आता है आपके ऊपर। दिन आता है तो आपके अंदर रजोगुण बढ़ जाता है, और शाम आती है तो तमोगुण बढ़ जाता है। लेकिन जो सच में साधक है, जो साधना जानता है, जो अपने मन को कंट्रोल करता है, वो इन गुणों में इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो कंट्रोल नहीं कर पाता, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मालूम है, वो दोपहर में ऑटोमेटिकली रजोगुण में प्रवेश करेगा, शाम रात को ऑटोमेटिकली तमोगुण में प्रवेश करेगा। क्योंकि वो समय वैसा है, जैसे सत्ययुग था उसमें सत्ययुग का बोलबाला था, कलयुग में कलयुग का बोलबाला है। उसी प्रकार सुबेरे सुबेरे सतोगुण का व्यक्ति, सतोगुण का समय होता है, तो सतोगुणी का बोलबाला रहता है, रात के समय तमोगुण का बोलबाला रहता है। तो जितना आप लेट तक जगेंगे, जितना आपके जीवन में लेट से सोएंगे, उतना बहुत ज्यादा चांस है कि आप तमोगुण में फंसोगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमको जल्दी सोना कहा गया, क्योंकि हम जल्दी सोएंगे तो हम तमोगुण से इफेक्ट नहीं होंगे। सो जाओगे तो फिर तमोगुण क्या करेगा आपका, लेकिन सुबह सुबह उठोगे तो सतोगुण में उठोगे आप। तो तमोगुण आपने सो सो के बिता दिया तमोगुण का समय, लेकिन जो देखते हैं हम 3-4 बजे तक लोग जगते हैं, वो पूर्ण रूप से तमोगुण के शिकार होते हैं। जो देर तक जगेगा वो तमोगुण में ही रहेगा, जो देर से उठेगा उसने सतोगुण वाला समय पूरा खत्म कर दिया, इसलिए सतोगुण में वो आ ही नहीं पाएगा। तो जिस गुण में भी हम रहना चाहते हैं, उस गुण में उस समय का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। उस समय में हम उठेंगे, हम साधना करेंगे, तो उस गुण का हमको, उस गुण का साथ मिलेगा और वो गुण की वृद्धि होगी हमारे जीवन में। ठीक है, तो बेसिकली लोगों को पता ही नहीं पड़ता, इतने इग्नोर होते हैं वो लोग। किसी का कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, और प्रश्न चलिए अगर है तो ठीक है। नहीं है तो बेसिकली कल भी मैंने बोला था कि कोई अपना रियलाइजेशन बताना चाहेगा कि उन्होंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका रजोगुण इतना अधिक है, तमोगुण इतना अधिक है, क्या लक्षण देख के ये समझ में आता है कि रजोगुण में है कि तमोगुण में। यस सावित्री माता जी कुछ कहना चाहती हैं। प्रभु जी, मेरी एक बहुत पहले से ही, मैं मतलब बॉम्बे में आए जब से, मेरे मिस्टर की वाइफ है, पंजाबी है, उनके दो बेटे सब बाहर रहते हैं। अब वो 62 के हैं प्रभु जी, 62 इयर्स के। वो ब्याज पे पैसे वैसे देती हैं, 40% इनसे उनसे उनसे रोज वसूली करती हैं। वहां तक तो ठीक है, एक दिन रात को बता रहे, और खाना भी वो अक्सर 12 बजे बना के खाते हैं प्रभु जी, एक दो दिन रही उनको। और एक दिन मेरे को बता रही है, मैंने फोन किया 11 बजे, चल भाई खबर तो लेना चाहिए ना प्रभु जी, बहुत वो पैसे भी हैं, उनके गुण नहीं एक्सेप्ट करने का, हाँ चल लेने के लिए खबर कर लिया। तो 11 बजे सो रहे, 12 बजे सो रहे, मैं बोली मैं टेंशन में आ गई, बीमार तो नहीं हो गई, अकेले रहती है बुटी, दो बेटे अपना बाहर रहते बॉम्बे में। तो उठ के फिर बाद में बोलती नहीं सोई हूँ, फिर बाद में चाय पिया 12 बजे, बाद में फिर 3 बजे तक खाना, 2 बजे उनको जाना था हफ्ता शुरू करने के लिए, तो खाना वाना बनाया था। तो मैं बोली खाना खाए बगैर जाओगी, नाश्ता भी नहीं किया, नहीं नींदी नहीं आती, नींदी नहीं आती, नींद नहीं आके 12 बजे सो के उठा है वो। फिर बाद में बोलता है मैं रात को खाना बनाई, इतना स्वाद बना था प्रभु जी, पालक की भाजी बता रही थी, मेरे को हंसी आई, पालक की भाजी बनाई, रोटी बनाई, रात को 12 बजे खाई, फिर सोए, फिर 4 बजे उठ के खाई। मैं बोली हे भगवान, अभी इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, वो भी इतनी उम्र के, उनको मैंने माला भी ला के दिया द्वारिकापुरी से, तो मैं आपको बता रही कैसे खाया। फिर वो 4 बजे खा के फिर 3 बजे तक खाया नहीं, मतलब जाके आके किया, बताओ आप, मेरे को हाथ घोर बहुत तमो, घोर तमो गुण घोर है ये तो, घोर तमो। घोर भयानक जगन्नाथपुरी में और भी आए कोई थे हमारे साथ में,
एक ही टाइम आए थे उन लोग ने, फिर वहां वहां भी ट्रेन में हमारे भाई साहब लगते थे, मतलब क्लोज के ही हैं, तो वो भी सब बस में, पूरे बस में भर रहे, वो अपने पैसे के लिए हम गालियां गलौज कर रहे, बोलते लेडी यहाँ भी कर रही है क्या पैसे का, तो उसको ही तमोगुण बोलते ना प्रभु जी। मैं बोली बाप रे बिल्कुल बिल्कुल बाप, तमोगुण कहते हैं। बहुत, पर इतना नहीं देखा मैंने, मेरे को अजीब लगा, 12 12 बजे खा के 4 बजे उठ के खाया, और फिर दिन भर नहीं खाया, 3 बजे आके खाया, और वो भी एज हो गया प्रभु जी, बच्चा नहीं है, 63 64 छोड़ दिए, क्या करोगे, अज्ञान है ना, हरे अज्ञान। कृष्णा यस, प्रभु। हरे कृष्णा, पर हमारे भूख कैसे हमारे लगा प्रभु जी, जी मेरे को अजीब लगा। माता जी। ठीक है, यस अनिल प्रभु कहिए। हरे यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब मेरा एक कृष्णा। फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है ना, और उसमें क्या है ना, रजोगुड़ी और तमोगुड़ी दोनों का कॉम्बिनेशन है कहना चाहिए। रजोगुड़ी ऐसा, वो काम के प्रति इतना वफादार है ना, ऑफिस का टाइमिंग उसका 10 बजे है, लेकिन वो घर से निकल जाता है 8:30 बजे, और जो भी उसका फील्ड वाला काम है ना, वो करते रहते हैं, वो इतना बिजी रहता है ना कि वो घर भी नहीं आता लंच करने के लिए, सुबह से काम किए जा रहा है किए जा रहा है, आते आते उसको 8:30 बज जाता है, मतलब वो इतना बिजी रहता है ना कि बोलता है यार उस दिन तेरा बर्थडे था, मेरे को याद आ रहा था, लेकिन मैं सोचा बाद में करूंगा, बाद में बोल के एक दिन बाद मेरे को विश करता है, मतलब मुझे विश करता है यार, मैं काम इतना ज्यादा था भाई अनिल, कि भाई का बर्थडे है, तेरा बर्थडे भूल गया मैं, लेकिन याद था, फिर मेरे को विश करता है। और उसके अलावा ना तमोगुण ऐसा है कि ना, अब वो आता है काम से लेट में, मतलब समथिंग आते आते उसको 9:30 10 बज ही जाता है, उसके बाद खाते पीते फिर मोबाइल देखते फिर फैमिली को जो भी टाइम देता होगा, तो उसको सोते ना डेली 12 12:30 बज ही जाता है, फिर उठेगा वो सीधा 8 बजे, 8 बजे जैसे उठेगा फ्रेश होगा फिर नाश्ता करके तुरंत ना 8:30 या फिर 9:15 बजे वो घर से निकल जाता है, तो इतना रूटीन है, मतलब मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन हम लोग ना आपको यकीन नहीं होगा महीने में मिल ही नहीं पाते, मतलब 2 माह में एक बार या फिर 3 महीने में एक बार हम मिलते भी हैं तो घड़ी देख के केवल 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए, या फिर भूले भटके अगर किसी मॉल में या फिर सब्जी मार्केट में मिल गए तो वही बस मिलना होता है, और उसी पे जो भी चर्चा होती है सुख दुख जो भी बांटना रहता है, तो कहना चाहिए ना वो रजोगुड़ी और तमोगुड़ी का एकदम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पूरा उसने व्यस्त कर दिया अपने आप को, खाली श्रम श्रम श्रम। जी जी ठीक है, गौतम प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे। जी प्रभु जी, कल प्रभु जी मैंने भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, मतलब जो हमारे सीनियर सर हैं जो संभालते हैं, तो प्रभु जी मैंने उनमें ना तीनों गुण मतलब थोड़े थोड़े देखे, मतलब जैसे कि ना जो काम वाली बाई है ना, तो कुछ स्टाफ ने बोले होंगे कि हमको कंप्यूटर सिस्टम वगैरह साफ करना है, तो कुछ कपड़े वगैरह मंगाना है, तो उन्होंने काम वाली बाई ने क्या हुआ कि किसी से पूछ ही नहीं, उन्होंने जाके उन्होंने पैसा ले लिया और लेके आ गया। उसके बाद जब हमारे सीनियर सर को पता चला कि कपड़े लाए, तो वो बोलते किससे पूछ के लाए सब चीजें ऐसे वैसे करके, तो वो ना एकदम ज्यादा उस चीज के लिए ना बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए एकदम ज्यादा, मतलब तो मुझे लगा कि वो मतलब रजो उसका मतलब रजो गुण के लक्षण है, मतलब असहाय, मतलब वो क्रोध कर रहे थे। फिर उसके बाद जब वो काम वाली बाई है ना, उनको शाम को पैसा चाहिए था कुछ, तो उन्होंने क्या है सर से मांगे पैसे के लिए, तो वो उनके प्रति मतलब वो दया वाली भाई भाव होता ना, ठीक है चल इतना पैसा मांगने जरूरत है तो मैं दे देता हूँ ऐसा करके, तो फिर उनके बाद उन्होंने पैसा दे दिया। और कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी की मतलब ना, जो पहले कहीं और जॉब किए उन्होंने, तो उनका थोड़ा सा नाम वगैरह है, तो वो हमेशा ना वो बोलते रहते हैं कि मैंने यहाँ ऐसा किया, मैंने इसको ऐसा सिखाया, मैंने एकदम थोड़ा सा एक अभिमान वाले बहुत है, तो ऐसी सारी चीजें कुछ कुछ कॉम्बिनेशन है प्रभु जी, वो सारी चीजें मैंने देखी उनके। जैसे मिठाई लाते हैं वो टिफिन में, तो वो क्या करते सभी स्टाफ मतलब उनके घर में मतलब 4 5 एक्स्ट्रा डालते हैं, तो सबको बुला बुला के देते हैं कि ये लो थोड़ा छोटे छोटे तुम लोग भी मीठा खा लो लंच टाइम में ऐसे करके। अच्छा, मैं तो तीनों गुण देखा आपने उनके अंदर, हाँ थोड़ा एक ही तो आदमी क्या, हाँ तीनों देखा, तीनों का मिक्सचर देखा। बिल्कुल ठीक है, और ये पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति सत्वगुण में रहेगा तो हर चीज में सत्वगुण में रहेगा, वो सत्वगुण में एक में रह सकता है, दूसरे में रजो में, तीसरे में तमोगुण में, ये मिश्रित होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने, और ये एग्जाम्पल दे के ये बताया कि एक ही व्यक्ति के अंदर तीनों गुण का समान भाव से इन्होंने देखा कि कैसे एक ही व्यक्ति तीनों गुण में बराबर जा रहा है। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, सही है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? मुझे पूछना है प्रभु जी, अगर कोई और नहीं कहेगा तो, और मैं बचेगा तो। ठीक
पूछूं क्या? पूछिए ना यस जी प्रभु, तो प्रभु जी हमने रजोगुण तमोगुण सतोगुण की चर्चा की विगत 3-4 श्लोकों में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं अपन अपना एग्जाम्पल दूं, तो खैर कैसे बोलूं, जैसे कि मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूं, तो अगर हम काम में जा रहे हैं तो एक प्रकार से रजोगुणी होगा, तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए? अगर हम रजोगुणी में जाएंगे तो फिर कर्मशील कैसे होंगे, मतलब घर के लिए जो भी हम पैसा इनकम करते हैं कंपनी में काम करके जॉब करते हैं, तो एक प्रकार से वो रजोगुणी में हो गया। तो अगर हम काम में नहीं जाएंगे तो फिर वो, तो अगर सत्वगुण में ही रहेंगे तो फिर काम कैसे कर पाएंगे, मैं ये पूछना चाहता था। वो भाव कैसा होना नहीं चाहिए? नहीं नहीं हाँ आपका प्रश्न अच्छा है। तो इसमें ये भाव रहना चाहिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ना, अपन ने ये पढ़ा है भगवान कहते हैं कि हर चीज मैं करता हूँ ना, बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थसनातनम बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। हमारे अंदर जो भी बुद्धि है वो भगवान ने दी है, हमारे अंदर जो भी शक्ति है तेज जो भी दिया कार्य करने का वो भगवान ने दिया है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कर सके, है ना। हमने पढ़ा ये सारी चीजें जी और आप तो अच्छे से जानते ही हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भी हम करते कर्म करते कर्म करने का अधिकार हमको है लेकिन फल का अधिकारी कृष्ण है। तो ये सारी चीजों का स्मरण करते हुए हमको कार्य करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि मैंने प्रभु ने मुझे परिवार दिया है, कृष्ण ने मुझे वाइफ दी है, बच्चे दिए हैं, माता पिता दिए हैं, घर दिया है, उनका जो है पालन पोषण करना मेरा धर्म है क्योंकि मैं पुरुष के रूप में इस घर में जन्म लिया हूँ और मेरे आश्रित हैं ये लोग, इसलिए मेरा कर्तव्य है इनका भरण पोषण करना, इसलिए मैं कर्म करने जा रहा हूँ। और हे प्रभु मैं कर्म करने का अधिकारी हूँ लेकिन फल का अधिकारी मुझे मालूम है आप ही हो, तो आपकी जितनी इच्छा हो आप उत्तम मुझे प्रदान करें। इस भाव से हमको कर्म करना चाहिए, ना कि ये भाव रहना चाहिए कि करने वाला मैं हूँ, कमाने वाला मैं हूँ, पैसा लाने वाला मैं हूँ, मेरे कारण घर में आटा चल रहा है, मेरे घर में जो लोग खा रहे मेरे कारण खा रहे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ये तो प्रभु के कृपा से प्रारब्धों के अपने कर्म के अनुसार हमको चीजें सुख दुख प्राप्त होते हैं, है ना। तो ऐसा भाव रखते हुए हमको दिन भर, हम देखो आप रजोगुण में जाओगे प्रवेश करोगे ही करोगे क्योंकि वो समय ऐसा आता है, वो काल ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, लेकिन माम अनुस्मरण युद्ध सा, है ना, भगवान कहते हैं ना एक श्लोक आता है, अंतवंत इमे देहा नित्य से उक्त शरीर ना अनाशीन अप्रमेय से तस्मात युद्ध से भारत, मतलब तुम तो युद्ध करो हे भारत, हे कृष्ण, हे अर्जुन तुम बस युद्ध करो क्योंकि शरीर खत्म होने वाला है, कभी भी शरीर छूट जाएगा लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए आत्मा के लिए और धर्म परायण के लिए तुम युद्ध करो। तो वैसे ही हमें भी धर्म परायण के लिए और कृष्ण के लिए उनका स्मरण करते करते अपना कार्य करते रहना चाहिए ताकि वो हमारे हमको हमारे सारी चीजों का रिजल्ट देंगे और जो हम चाहते हैं वो खुद ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण उसकी व्यवस्था कर देंगे। तो ये सोचते हुए हमको कार्य करना चाहिए। बिल्कुल जी ठीक है प्रभु, प्रभु जी जी, जी परीक्षा। हरे कृष्णा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है भगवान का स्मरण हर काल में करना चाहिए, है ना। भगवान कहते भी है ना मान माम नहीं क्या 12.0 12वें अध्याय का कौन सा श्लोक है, 6वां श्लोक है क्या, जिसमें कहते हैं कि मुझे अपना मन और बुद्धि दे दो तुम, ठीक है। ट्वेल्व पॉइंट हाँ 8 है ना, हाँ ये है ना, मय्येव मनः अधस्यत मयि बुद्धि निवेशय निवाश्यस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संचय, है ना। तो मन और बुद्धि भगवान को हमको देनी है, मन और बुद्धि। तो हर काल में हमको भगवान का चिंतन करते करते जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, अपने कार्यों को भगवान के प्रति जो है ना समर्पित करते हुए करना चाहिए। 3रे अध्याय में भी भगवान ने बताया था सारे कर्म करो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, अपने लिए मत करो, ठीक है। तो वैसे ही करना चाहिए।
कृष्णा प्रभु को 3.09 में ना, हरे कृष्णा 3.09 में है, यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अन्य कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन तु मुक्त संग समाचर। सारे कर्म जो होते हैं ना बंधन बांधने वाले होते हैं, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए करोगे तो तुम कर्मों से मुक्त हो जाओगे। यस माता जी कुछ कह रही थी। हरे कृष्णा प्रभु, हम लोग तो अपने में ही हर गुण को ही कभी कभी अनुभव करते हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, दूसरे का क्या देखे, अपने में ही आता है। प्रभु जी वही हाँ चीज बोलना बिल्कुल चाह ये रहे भी थे आदमी से जी, अपने में अनुभव का पता चल जाता है। जैसे सवेरे उठते हैं तो मान लीजिए वो थोड़ा सा सत्व गुण के अंदर किसी की मदद करना, किसी को, फिर कुछ कभी कभी बच्चों के प्रति, हमारा जो परिवार के प्रति जो प्रेम और वो रहता है, और फिर तमोगुण भी रहता ही है ना वही चीज बिल्कुल बोलना चाह रही थी। और मैं ऐसा बोल रही थी प्रभु जी, कभी आजकल मैं देख रही हूँ, पहले तो मैं माला करती थी, ऐसा नहीं होता था, माला में तो मेरे को बहुत रुचि है, मैं जब भी माला लेकर बैठ जाती थी। अभी जैसे दिन के समय मेरे माला जो सवेरे हो जाता है 8 बजे 9 बजे, फिर माला लेने का मन ही नहीं करता है। फिर मैं रात को एक आदत बना ली कि ठीक है सब खा पी लेंगे सो जाएंगे, तब फिर मैं आराम से उस समय फिर शांति से करूंगी, करती हूँ तो हो जाता है जितना बाकी रहता है। लेकिन फिर सवेरे भी करती हूँ तो देख तो माला हाथ से छूट जाता है, पता नहीं क्यों, ये शारीरिक कुछ, शरीर का कुछ वे है या मानसिक है, कुछ समझ में नहीं आता है, तुरंत फिर पता भी चल जाता है माला गिर गया है, ऐसे करके बार 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 वही परेशानी तो, ऐसा माया का प्रकोप है, और जी माया जो है आपके ऊपर होने को कोशिश कर रही है छुड़वाने की, भक्ति या और ऐसे क्या कुछ है। तो लग रहा है। बाद 2-3-4 दिन से मैं ऐसी अनुभव करती हूँ, फिर जग जाती हूँ, बैठ के करती हूँ, सब चीज करती हूँ, लेकिन ऐसे ही होता है, पता नहीं, दिन में भी लेकर के बैठने से वैसे ही होता है। जो चलो थोड़ा सा भोर में जग जाते हैं तो थोड़ा सा आराम कर लें तो उस समय सो भी जाते हैं, नहीं कि नींद थोड़ी हो ही जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लेकिन फिर मैं सोची, सुबह मैं अपने ही मन मन में सोची, प्रभु जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, आज मैं सवेरे उसी नुस्खा को अपनाई, चैतन्य महाप्रभु जी को याद की, राधा रानी को, श्री कृष्ण जी को याद की, फिर हरिदास ठाकुर को याद की, फिर करने बैठी तो फिर माला ठीक से हुआ। पता नहीं ये क्या चीज है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं नहीं, सुबह सतोगुणी का समय रहता है तो सुबह की जो माला आप सब देखेंगे ना उसमें बड़ा भाव रहता है, अच्छा होती क्वालिटी की माला जो चैंटिंग होती है सुबह सुबह जी हो जाती है, बाकी दिन भर में वो क्वालिटी आ ही नहीं पाती कितना भी आ ही नहीं प्रयास कर पाता लोगे। है प्रभु जी, सही बात है। हाँ तो वो उस गुण का समय है, सुबह सुबह का समय मैंने बताया सतो गुण का समय होता है, इसलिए तो ब्रह्म मुहूर्त का इतना इम्पोर्टेंस है जीवन में। तो हम सुबह सुबह करेंगे तो माला हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, दिन में मुश्किल होगी, रजोगुण का समय है, रात में तो और मुश्किल है तमोगुण का समय, फिर आप करोगे लेकिन वो क्वालिटी नहीं आने वाली, सुबह वाली क्वालिटी नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा अनाउंसमेंट था कि 18 तारीख को यात्रा जारी मायापुर, जिसमें मैं भी जा रहा हूँ, तो 18 को हमारी क्लास तो होगी सुबह सुबह, लेकिन 19 से क्लास अपनी जो है ना या तो रिवीजन करा लें, कौन कौन है जो रिवीजन कराने में इंटरेस्ट ले सकते हैं तो वो अपना अपना हैंड रेस कर लें एक हफ्ते के लिए, तो वो अपना जो है क्लास तो कंटिन्यू रखें। जो मेरे ख्याल से 12वां और 13वां अध्याय, ये दोनों अध्याय का रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। तो अनिल प्रभु, सत्यम प्रभु और गौतम, गौतम प्रभु आप भी जा रहे हो क्या? नहीं प्रभु जी, मैं नहीं जा रहा। तो आप तीनों की जिम्मेदारी रहेगी 19 से लेके क्लास को आगे बढ़ाने की, जी 24 प्रभु को हम जी, वापस आएंगे तो 25 तो होगी नहीं, 26 से फिर दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो 19 से 25 तक की जो 6 दिन की जो है ये क्लासेस रिवीजन होगा, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। ठीक है, तो हम इस पे प्रभु जी, चर्चा फिर कल करेंगे कि कैसे कैसे प्रारूप होगा, कैसे क्या क्या, कौन कौन जिम्मेदारी क्या लेगा, तो आगे फिर हम कल उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार जप कर लेते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। सभी भक्तवृंद की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 हरि।